डिपार्टमेंट ऑफ बी एस सी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम। टुडे माई लेक्चर टॉपिक ऑन टैक्सोनॉमी नॉमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ फंगस। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। The topic also important for competitive examination in different agriculture department like agriculture services and agriculture competitive examination. So I heartily request all students of BSc Agriculture should be watch my live class and attend very seriously and write down on notebook. टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स द्विनाम पद्धति, नामकरण के तरीके। दैट इज फर्स्ट, टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण। Taxonomy is the science of classification. It is concerned with principles of classification. Means taxonomy means वर्गीकरण, classification means श्रेणीबद्ध। जो ये वर्गीकरण है श्रेणीबद्ध साइंस का एक अंग है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि श्रेणीबद्ध साइंस को वर्गीकरण कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन के सिद्धांत को कंसर्न करता है, मींस श्रेणीबद्ध विज्ञान ही टैक्सोनॉमी कहलाता है, और श्रेणीबद्ध सिद्धांत जो इसको कंसर्न करता है, ये इस तरीके के कंसेप्ट को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज Concerned with principles of classification। यहां पर दो वर्ड आया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकरण, एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है श्रेणीबद्ध करना। अब टैक्सोनॉमी बना टेक्जा से, टैक्सोनॉमी बना टेक्जा से, टेक्जा मीन्स होता है कच्छ, मीन्स इस अलग अलग कच्छ में इस वर्गीकरण का अलग अलग कच्छ में विभाजित होकर के श्रेणीबद्ध करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो टैक्सोनॉमी है, The taxonomy was first time given by Carolus Linnaeus, means Carl Linnaeus. But the enhanced his student of Carl Linnaeus like C.S. Persoon and E.M. Fairey. सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी को कार्ल लिनियस ने दिया, और इसी कारण से फादर मॉडर्न टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और इसके बाद बाइनोमियल सिस्टम का जो ये सिस्टम है, बाइनोमियल कल्चर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये इनके स्टूडेंट के द्वारा दिया गया, और इनके स्टूडेंट में परसून है और ईएम फेरी है। दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन।
सेक्शन का मीन्स होता है क्रमबद्ध कर, इंडिविजुअली अलग अलग टेक्चर को, अलग अलग कच को सिचुएटेड क्रमबद्ध में सिस्टमेटिकली अरेंज करना, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एटसेट्रा। इट इज मींस क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्रमबद्ध करना, क्लास में क्रमबद्ध करना, ऑर्डर में, ऑर्डर के बाद फैमिली में, फैमिली के बाद जीनस में, जीनस के बाद स्पीशीज में, स्पीशीज के बाद भी अगर और कोई टेक्चर इन्वॉल्व होता है लाइक सब स्पीशीज, तो उसमें क्रमबद्ध करना मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्चर में क्रमबद्ध करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है नामकरण। नामकरण मीन्स होता है नॉमिनेशन, किसी को नॉमिनेशन करना, नामकरण करना। तो नोमेनक्लेचर मीन्स नोमेनक्लेचर इज द आर्ट ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर एक आर्ट है, एक कला है जो किसी सजीव जीव को किया जाता है या सूक्ष्म जीव को किया जाता है। दूसरे तरीके से हम समझेंगे कि किसी सूक्ष्म जीव, प्लांट या जीव का नामकरण करने का जो आर्ट है उसी को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। मींस नामकरण करने का आर्ट को ही हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस होता है कि द्विनाम पद्धति, किसी भी नामकरण का द्विनाम पद्धतिकरण करना, इसका मीन्स होता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय कार्ल लिनियस इन 1753। द्विनाम पद्धति नोमेनक्लेचर का सबसे पहले कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट ने 1753 ईस्वी में दिया था। अब इसके रूल्स क्या हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये एक सेंटर है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें टू पॉइंट होते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज नेम डीएनएटेड लाइक जीनस। किसी भी ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिक या प्लांट का जो पहला नाम का पार्ट होता है वो नाउन के रूप में इंडिकेट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जैसे फर्स्ट जीनस। एंड द सेकेंड पार्ट इज एडजेक्टिव डिजाइनेटेड लाइक स्पीशीज। उस प्लांट का या जीव का या सूक्ष्म जीव का जो सेकेंड नाम होता है वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है और इसमें स्पीशीज को इन्वॉल्व किया जाता है। तो मींस जो जीनस होता है, जीनस फर्स्ट नेमिंग ऑफ बाइनोमियल क्लेचर होता है और ये नाउन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, डिजाइन किया जाता है। नाउन का मीन्स होता है पहला लेटर हम लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद जितना लेटर होगा वो स्मॉल होगा। इसके आगे मैंने पक्सिनिया का एग्जांपल दिया है, जैसे पक्सिनिया जनरल पक्सिनिया पहला लेटर ये पी कैपिटल है और उसके बाद का जितना लेटर है वो स्मॉल है। तो ये फर्स्ट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। सेकेंड स्पीशीज का जो हम इन्वॉल्व करते हैं वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग स्पीशीज को हम पहला लेटर और ऑल लेटर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं,
जैसे स्पीशीज ग्रेमलिन्स, तो जी आपका स्मॉल है, इसके पास सारा लेटर स्मॉल है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम टैक्सा में दो लास्ट टैक्सा लेते हैं, पहला जीनस लेते हैं, दूसरा स्पीशीज लेते हैं। जीनस का पहला लेटर नाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे फर्स्ट पक्सिनिया। स्पीशीज का पहला लेटर लास्ट लेटर स्मॉल लेते हैं, जैसे लाइक स्पीशीज ग्रेमलिन्स। तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेसिक कॉन्सेप्ट आई विल प्रेजेंट। आप सभी लोगों को यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का साइंस है। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के सिद्धांत को कंसर्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है श्रेणीबद्ध करना। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एटसेट्रा मीन्स क्लासिफिकेशन के अंदर जो टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण को सिस्टमैटिकली ग्रुप में अरेंज करना। क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज एटसेट्रा। तो इसको श्रेणीबद्ध करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी जो है कि सबसे पहले प्लांट के लिए दिया गया, और प्लांट में इसमें कार्लेनियस नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया, और बाद में बाइनोमियल क्लेचर की बात करें और इनके स्टूडेंट ने इसमें ईएम फेरी ने इन्वॉल्व होकर के और इसमें काम किया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स होता है नामकरण। नामकरण मीन्स होता है किसी भी ऑर्गेनिक प्लांट या माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम नॉमिनेशन करना, नामकरण कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लिखा है नोमेनक्लेचर इज द आर्ट ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का नाम रखने का जो कला होता है, आर्ट होता है, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले कार्लेनियस नामक साइंटिस्ट ने 1753 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग ये जो दिए थे, ये एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल कोड ऑफ पार्टिकल नोमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग दिया गया। इसमें किसी भी ऑर्गेनिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट होता है उनका जीनस, सेकेंड पार्ट होता है स्पीसीज। फर्स्ट पार्ट जीनस को डिजाइन करते हैं नाउन के अकॉर्डिंग, मीन्स पहला लेटर हम उसका कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद वाले लेटर हम स्मॉल लिखते हैं। दूसरा जो होता है स्पीशीज होता है, स्पीशीज का डिजाइन हम एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग करते हैं, उसका सारा लेटर स्मॉल होता है। और इसको हम एक एग्जांपल के रूप में पक्सिनिया ग्रेमलिन्स का एग्जांपल मैंने दिया। पहला पक्सिनिया जीनस है, स्पीशीज इसका ग्रेमलिन्स है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि पक्सिनिया जो लिखा है पहला लेटर पी कैपिटल है और सारा लेटर स्मॉल है, इसी तरह स्पीशीज सारा लेटर स्मॉल है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसकी शर्त यह है कि अगर आप इटालियन लेटर में लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर कॉमन लेटर में लिखेंगे तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं। रूल्स टू इंटरनेशनल कोड ऑफ पार्टिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, मीन्स टैक्सोनॉमी क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, इंटरनेशनल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ फंगस। यहां पर मैंने सबको प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अकॉर्डिंग सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। रूल्स मैंने बता दिया नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट पॉइंट है इसका
स्टैंडर्ड एंडिंग ऑफ टेक्चर, एंडिंग ऑफ टेक्चर मानक क्या है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो दैट इज फर्स्ट रूल, इसका रूल्स है टेक्चर का डिवीजन एंड। डिवीजन मींस पहला किंगडम कर देते हैं, किंगडम इन केस ऑफ फंगस क्लासिफिकेशन। कोटा मींस माई कोटा का एंडिंग कोटा। सेकेंड डिवीजन, यू माई कोटा, माई कोटा मीन्स माई कोटा मीन्स यू माई कोटा। किंगडम एंडिंग कोटा आइडेंटिफाई विथ माई कोटा। डिविजन इन दी यू माई कोटा मीन्स माई कोटा, दैट इज थर्ड क्लास। क्लास मीन्स थर्ड सब डिविजन, सब डिविजन, सब डिविजन माइकोटीना। माइकोटीना मीन्स मैस्टिको माइकोटीना, सब डिविजन मैस्टिको माइकोटीना, एंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड माइकोटीना, आइडेंटिफाई विथ माइकोटीना। नेक्स्ट क्लास सिटी, सी टी मीन्स ऊ माई सिटी, ऊ माई सिटी। क्लास ऊ माई सिटी एंडिंग आइडेंटिफाई विथ सिटीज, सिटी। नेक्स्ट टेक्चर ऑर्डर, ऑर्डर एल्स एस पेरेनो बे रोनो इस ओ रेल्स मींस ऑर्डर एंडिंग आइडेंटिफाई पेरेनोस फॉर एल्स ऑर्डर एल्स। नेक्स्ट पॉइंट फैमिली, फैमिली ऐसी means perno perno ispo raisi means aisi, family identify with aisi। So this designated of standard ending of tencha means किसी भी tencha का ending को आप कैसे मानक के रूप में पहचानेंगे, उसका मानकीकरण कैसे करेंगे। यहां मैंने तीन चार टेक्चर का एग्जांपल मैंने दिया, किंगडम, किंगडम फंगस के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग मैंने आप यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। तो किंगडम माइकोटा होता है, तो माइकोटा का एंडिंग कोटा। नेक्स्ट डिवीजन यू माइकोटा होता है, यू माइकोटा का एंडिंग माइकोटा। सब डिवीजन
मैस्टिको माइकोटीना का एग्जांपल मैंने लिया, तो मैस्टिको माइकोटीना का एंडिंग माइकोटीना प्लस प्लस ओ माइसिटीज का एंडिंग सिटीज, ऑर्डर पेरनोस्पोरेंस पेरनोस्पोरेंस का एंडिंग एल्स, फैमिली पेरनोस्पोरेसी पेरनोस्पोरेसी एंडिंग एसी। तो ये जो मैंने किसी भी टेक्चा का एंडिंग स्टैंडर्ड को मैंने आइडेंटिफाई किया, इससे आप उस टेक्चा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लास्ट एंडिंग ऑफ टेक्चा के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें समझने की बात है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम जो है कि किसी भी स्टैंडर्ड एंडिंग ऑफ टेक्चा को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है टेक्चा स्टैंडर्ड एंडिंग ऑफ टेक्चा। हमने इस पॉइंट पे टेक्चा टेक्चा मीन्स होता है कच्छ, अलग अलग कच्छ में बांटना। तो सबसे पहला जो टेक्चा होता है किंगडम होता है, किंगडम फिर डिवीजन, इन केस ऑफ फंगस की बात हो रहा है, फिर सब डिवीजन, सब डिवीजन फिर क्लास, क्लास के पास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद लास्ट स्पीसीज। तो इस तरीके को हम टेक्चा कहते हैं। किसी भी टेक्चा टेक्जोनॉमी का एक एंडोजुली वर्गीकरण टेक्चा कहलाता है। टेक्चा को अलग अलग आइडेंटिफाई सिस्टम में किया जाता है और इसी का अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन कहलाता है, किंगडम डिवीजन सब डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज। तो आज के प्रेजेंट लेक्चर टॉपिक ऑन टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्ड एंडिंग ऑफ टैक्सा एंड टैक्सा ऑफ फंगस। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक एग्जामिनेशन इन प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी टू ऑल एग्रीकल्चरल स्टूडेंट। सो आर स्टूडेंट वॉच लाइव क्लास एंड नोट राइट ऑन नोटबुक टू द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो आई थिंक आर स्टूडेंट अंडरस्टैंड टूडे माई लेक्चर टॉपिक एंड कंसिडर्ड इट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।